मैं सुजीत कुमार परिडा आप सबको ग्रीन फिलामेंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो पिछले कई सारे वीडियो में मैं सोलर का नया नया चीज आपको बताया हूं और हम लोग कहां पर काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीज बताया हूं। ऐसे भी आज भी पिछले तरह आज भी मैं आपको आपके सामने नया चीज लाया हूँ सोलर का, जो है सोलर रोड स्टड। सोलर रोड स्टड क्या होता है, हम लोग जैसे देखेंगे एनएच के रोड साइड में जो लगता है स्टड, वो इलेक्ट्रिक का रहता है और या रेडियम का रहता है। जैसे लाइट का बाइक का हो या कार का हो, लाइट उसके ऊपर गिरेगा तो ये वो ब्लिंक करेगा। तो इस तरह का सोलर का एक रोड स्टड बनाया गया है, तो उसको आज हम मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, और जहां पर भी इंस्टॉलेशन हुआ है वो चीज भी आपको मैं दिखाऊंगा, और इसका पिक्चर्स, इसका बॉडी, इसका मटेरियल क्या क्या इसके अंदर है, टोटल कंप्लीट सिस्टम मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है सोलर रोड स्टड, आप देख सकते हैं ये दो हम लोग का रोस्टर रखा गया है। ये है सोलर रोस्टर, ये कंप्लीट लाइट आप देख सकते हैं, उसको देखिए पैनल को हम लोग नीचे कर दिए हैं इसलिए वो ब्लिंक कर रहा है लाइट। तो ये कैसे इंस्टॉलेशन करने के लिए बहुत सारे अच्छी चीज उसको दिया गया है, तो मैं डिटेल्स उसका बताता हूँ वीडियो में कि इसके अंदर क्या क्या चीज इनबिल्ट किया गया है और ये मटेरियल किस टाइप का मटेरियल है, कितने वाट का पैनल है, कितने एच का बैटरी है, कितने वाट का हम लोग का एलईडी लगाया गया है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये है सोलर रोड स्टड, तो इसके अंदर जो मेटल यूज किया गया है वो एल्यूमिनियम ओली सेल रहता है और ये IP67 आज फॉर IEC 65029 एडिशन में बनाया गया है और इसका सर्टिफिकेशन भी है। और इसका जो डायमेंशन है ये 125 mm × 125 mm × 25 mm का है और इसका जो हाइट रहता है उसका 65 mm रहता है वाइट। और इसके अंदर जो सोलर सेल एंड रिफ्लेक्टर्स यूज किया है वो मॉडल पॉली कार्बोनेट विथ क्लियर फेसिंग रिफ्लेक्टर्स है, डिजाइन फॉर मेंटेनेंस फ्री ऑपरेशन। ये मेंटेनेंस फ्री ऑपरेशन पर डिजाइन किया गया है, जैसे कि आप इंस्टॉलेशन करोगे तो उसको बार बार सर्विस के लिए आपका नहीं जरूर चाहिए। और उसके अंदर जो सोलर पैनल यूज किया गया है वो सोलर पैनल हाई एफिशियंसी मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल 3V 130 mA Allowing charging at lower solar radiation. इसके पैनल का फीचर्स ये है, मैं फिर से बोल देता हूँ, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल 3V 130 mA Allowing charging at lower solar radiation के लिए बना गया है। और इसके अंदर जो बैटरी दिया गया है, मतलब ये जो चार्ज करता है रात के टाइम पर ब्लिंक करता है, उसके अंदर जो बैटरी दिया गया है जहाँ पर हम लोग का चार्ज होता है, वो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरी इज एनक्लैप्ड इन द स्नेक टू अवॉइड वेरिएशन ड्यू टू ओवर राइडिंग व्हीकल्स। तो इसके अंदर जो बैटरी दिया गया है 1.3 AH NiMH रिचार्जेबल बैटरी रहता है इसके अंदर। और इसके अंदर मैग्नेटिक स्विच प्रोटेक्शन भी हम लोग का रहता है, जो बैटरी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग का जो रहता है ट्रांसपोर्टेशन में जाता है उसके लिए मैग्नेटिक स्विच फॉर प्रोटेक्शन उसका रहता है। लाइट सोर्स, इसके अंदर जो लाइट रहता है उसका लाइट सोर्स कहता है 6 High Luminary LED, इधर एक 3 और इधर 3 6, मतलब 6 Luminary LED लिया गया है। उसका वेवलेंथ है 630 nm विथ 1400 mcd। और इसका विजिबिलिटी है मोर देन 800 m एंड फ्लैश रेट है 1.2 Hz। तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका रहता है 28,348 kgf और उसका जो ऑपरेशन है ऑटो ऑपरेशन ये रहता है, ब्राइटनेस सेंसिटिव रहता है, ऑटो स्विच रहता है, ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन एट नाइट एंड टर्न्स ऑफ एट डाउन, मतलब जब स्ट्रीट लाइट की तरह जब ये सूरज ढगेगा तब ये ऑन होगा, सूरज जब उगलेगा तब ये लाइट उसका बंद हो जाएगा, जैसे ही पैनल के ऊपर सूरज गिरेगा लाइट बंद हो जाएगा और पैनल से सूरज हट जाएगा तो लाइट लगेगा। और इसका कलर भी हम लोग के पास मल्टीपल कलर है, जैसे कि हम लोग का रेड कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है और व्हाइट कलर है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया हम लोग का स्पेसिफिकेशन हो गया रोड स्टड का, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज यूज होता है, हम लोग क्या क्या चीज यूज करते हैं, सारे डिटेल्स मैंने बता दिया है। और ये हम लोग कहाँ पर अप्रोच करेंगे, ये हम लोग अप्रोच करेंगे जहां पर एनएच वगैरह रहता है, जो गवर्नमेंट का रहता है, एक्सीडेंट नहीं होने के लिए अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा रहता है, एक जंगल के अंदर एनएच बनाया गया है या कोई रोड के अंदर एनएच बनाया गया है बहुत दूर तक, वो स्ट्रीट लाइट उधर नहीं लगा पाते या स्ट्रीट लाइट नहीं रहता है, हम लोग वहीं पर ये हम लोग रोड स्टड का अप्रोच करके गवर्नमेंट के एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये लगा सकते हैं गवर्नमेंट। ये कुछ
को मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है फॉर रोड सेफ्टी इन एनएच, और ये हाई स्ट्रेंथ सेल विथ एक्सलेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हाई लुमिनस एलईडी इसके अंदर रहता है। तो रात के अंधेरे में ये बहुत जबरदस्त, एनएच के जो अंधेरे एनएच रहता है उसमें बहुत जबरदस्त ये काम करता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि रात के टाइम हो जाने से इसका जो ब्लिंक करता है लाइट बहुत जोर से ब्राइटनेस होता है, क्योंकि इधर डे टाइम है अभी लाइट गिर रहा है इसलिए, या सूरज का रोशनी अभी पड़ रहा है इसलिए आपको ये ब्राइटनेस थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन जब रात हो जाएगा मैं अंधेरा कर दूंगा तभी आप देखना बहुत अच्छे से ब्राइटनेस रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है फॉर रोड सेफ्टी इन एनएच। तो इसको हम लोग आप वहां पर पिच करके ये इंस्टॉलेशन हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये सारे डिटेल्स और ये चीज आपके पास मैं पहुंचा दूंगा। तो अभी रात हो गया है, तो देखो ये ब्लिंकर का लाइट जल रहा है, तो अभी मैं लाइट बंद करके दिखाऊंगा कि उसका ब्राइटनेस कितना आता है। तो अभी लाइट हम लोग बंद करेंगे, देखिए मैं उसको दूसरे साइड में रखता हूँ, फिर भी देख सकते हैं, देखिए और देखिए। तो हम लोग तो डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था कि इसके अंदर क्या क्या रहता है स्पेसिफिकेशन में, और कितना दूर तक ये गिरता है और कितना लाइटिंग देता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लाइट देता है हम लोग का ये सोलर रोडस्टर। देख सकते हैं आप, तो आप लोग देख लीजिए, ये है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों ये है कंप्लीट वीडियो ऑफ सोलर रोडस्टर, आप उसको यूज कीजिए, और जो भी सोलर कंपनीज है वो आप गवर्नमेंट पे पिच कीजिए, ये कैसे हम लोग क्या आप यूज कर सकते हैं और ये क्या क्या है डिटेल सर मैं आपको वीडियो में बता दिया हूँ। प्लीज सपोर्ट ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड यूज सोलर, ये बहुत जरूरत है हमको। सो गो ग्रीन एंड गो सोलर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड पर। थैंक यू दोस्तों।